What's up, Legendary Fam? How are you all? कैसे हो आप सब लोग? तो जैसे आपने सुना था पहले वीडियो में कि मैं बताऊंगा कैसे खेलते हैं इंडोर्स, हर रुपये इंडोर्स विदाउट ट्रबलिंग पेरेंट्स, बिना ट्रबल करके पेरेंट्स को, आज मैं बताने लगा हूँ कैसे करते हैं। तो शुरू हो जाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग आर मैग्नेट्स। अभी बहुत सारे आप लोगों को पता होगा मैग्नेट्स क्या होते हैं, और फिर ये काइंड ऑफ लेगोस के जैसे बस यही करते हैं कि आप अटैच करते हो। तो मैं बनाने लगा फिश, अभी पता नहीं मैं क्या बनाऊंगा, देख लेते हैं। आई थिंक आई एम गोना मेक अ हाउस। ये एक विंडो में इधर डालूंगा। और बड़ी चीजें मैं इधर से खुला रखूंगा, फिर हम कर सकते हैं। कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने। अभी इसको ऐसे कर दिया। हम ऐड कर सकते हैं छोटा सा गेट, जहाँ पे आप देख सकते हो। फिर हम ऐसे से देखते हैं, पता नहीं कितना बड़ा होगा। और मुझे लगता है ये गिरने लगा है। इधर से अगर देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा इधर ऐसे टिल्ट हो रहा है। आई होप इट डजंट फॉल। ओके, इसको निकाल देते हैं और इधर डाल देते हैं। गोइंग ऑन फर्स्ट सेकंड थर्ड हबी लगेंगे फोर्थ पे, फाइनल और लास्ट वाला। एक चीज मैं ये करने लगा, ये जो है इसको मैं ऐसे रखने लगा। ये अच्छा बनेगा। ऐसे दो और होने चाहिए है। मिल गए। तो ये है मेरा कैसल। और ये गाड़ी भी है छोटी सी, इसको मैं बना देता हूँ ऐसे। लेट्स सी, चलो मैं इनके साथ बनाने लगूँ। अभी देखते हैं कैसे बनाऊंगा। ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे करके ऐसे कर दिया। नहीं, इसको मैं इधर रख सकता हूँ, इसको मैं इधर करके ये ना। ये जो आर है ना, आर एच और आर ई वाला, इसको मैं एक पत्ते के जैसे इसके अंदर डाल देता हूँ। और नाउ ये मैग्नेट्स है, ये पहली वाली मैग्नेट्स, मेरे फेवरेट। तो अभी हम जाते हैं इधर। अभी बहुत सारे आप लोगों को पता होगा ये क्या है। ये है मेमोरी गेम, मेमोरी मैच गेम। मेरे पास दो है, एक ये फाइंडिंग डोरी, एक बहुत ही अच्छी डिज्नी वाली मूवी है। एंड वी हैव ऑल्सो दिस स्पाइडरमैन वाली। तो इसमें मैं थोड़े से डालता हूँ। अब इसमें तीन
थ्री टाइम्स फोर इज 12, तो मतलब इसके पास है अभी 12। और अभी इसमें जो करना होता है कि आपको दो पिच करने पड़ते हैं, और अगर वो मैच करते हैं तो वो सही है। जैसे देखते हैं इसके अंदर अगर कुछ होता है, जैसे ये दोनों है, ये दोनों मैच करते हैं। और अगर आपने फॉर एग्जांपल ऐसे कर दिया, अगर आपने ऐसे एक पिक करा और ऐसे एक पिक करा और आपको दोनों सेम मिल गए, आपकी बारी वापस आती है। और अगर आपको एक और बार सेम मिल गए तो आपकी बारी वापस जाएगी, यू विल गेट अनदर टर्न। तो ऐसे ऐसे जाता है, और जिसके पास एंडिंग में सबसे ज़्यादा कार्ड्स होते हैं, मतलब मैच कार्ड्स, वो जीत जाता है गेम। तो हाँ, तो एनीवेज ये बहुत ही अच्छी गेम है, ये आप हर फैमिली के साथ खेल सकते हो। देखते हैं अगर इसमें भी मुझे मैच मिलता है। स्पाइडरमैन एंड ईगल मैन, जो भी पता। और इसमें मैं ये बोलना भूल गया, पर इसमें बस दो ही प्लेयर्स खेल सकते हैं। I'm same ones. Cheating करके मुझे same वाले मिल गए। Found another same. Same. Yay, same. कोई ऐसा no. ब्लैक वाली लड़की कहाँ है? है कुछ तो है, कुछ तो है। ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, अभी तक इतना ही मिला है बस। ये बंदा जी, तो ये है सेकंड वाला। और इसको मेमोरी गेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको याद करना पड़ता है कि जब भी किसी की टर्न आई, आपको याद करना पड़ता है कि कहाँ क्या था। तो इसलिए इससे मेमोरी भी शार्प होती है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अभी इधर है मेरे पजल्स, ये मुश्किल वाले हैं, एंड आई एम सॉरी पर मैंने ऑलरेडी हाफ वे कर दिया था, तो मैं और कर देता हूँ। ये एक बनी और छोटी सी चिक, ये हम इधर से कर देते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि ये ऑलरेडी हुआ पड़ा था। ये इधर होएगा आई थिंक, हाँ इधर ही होएगा। ऑलमोस्ट डन। ये जाएगा इधर, फिर हम कर सकते हैं ये वाला इधर, नहीं ये बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल पर थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे भी टाइम लगा था इसको करने में। आपको तो वैसे भी दिख रहा होगा कि मैं टाइम लगा रहा हूँ अभी। ये इधर नहीं आएगा, इधर एंडिंग बेल की, फिर हम कर सकते हैं ये वाला इधर ऐसे, ये इधर आएगा, यस। फिर हम इसको कर सकते हैं इधर, और फिर ये वाला इधर, फिर ये वाला आएगा इधर, ये इधर, ये ऐसे जाएगा, नहीं ऐसे जाएगा। ये वाला इधर जाएगा, और लास्ट वाला डन,
ये है बनी और चिकी वाला। ऐसे नहीं लगता कि ये मैं हूँ, ये मेरा छोटा सा भाई है, ऐसे ही लगता है। तो मेरे पास ये तो दो और हार्ड वाले पजल्स हैं, पर अभी तक मैं ये तो मैंने बस शो के लिए रखे हैं, मैं अभी करने नहीं लगा। तो ये थर्ड वाली चीज़ थी, और इससे भी आपका ब्रेन शार्प होता है। तो एनीवेज ये एक और चीज़, ये बहुत ही फन है, और मेरे पास इसलिए बहुत सारे पजल्स हैं क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद लगता है और इससे मेरा ब्रेन शार्प होता है। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वाली गेम है बिंगो। अभी आप इंडियंस को ये गेम पता आएगी क्योंकि मेरे मम्मा ने बोला कि किटी पार्टीज में एक गेम ऐसी खेलते हैं जिसका नाम है तंबोला। बस ये डिफरेंस है कि इंडिया में हम पैसों के। तो नेक्स्ट गेम है बिंगो, और मेरे मम्मा ने बताया कि किटी पार्टीज में एक ऐसी गेम खेलते हैं पर उसका नाम है तंबोला। और बस ये डिफरेंस है कि इंडिया में मनी पैसों और पैसे के साथ और गिफ्ट के साथ खेलते हैं, पर इधर तो ये बोरिंग सी गीतियाँ हैं। आई जस्ट विश के मतलब मैं इंडिया में होता पैसे के साथ खेल रहा और गिफ्ट के साथ, मतलब आई एम टेलिंग द ट्रूथ, बहुत ही फन होना था। तो इसमें मतलब ऐसे कार्ड्स होते हैं 5x5, इधर लिखा होता है फ्री स्पेस पे आप ये गीती इधर डालते हो, और फिर ये एक स्पिनर होता है, ये स्पिनर मुझे इसको खोल दे दो, इधर रखने दो। अभी जब मैं स्पिन करूँगा देखते कहाँ लैंड होता है। लैंड हुआ है 26 पे। अभी मैंने देखना कि मेरे पास 26 है ना ही, मेरे पास 25 और 27 है, 26 नहीं है। वाह, यहाँ लैंड हुआ 30 पे। मेरे पास 30 भी नहीं है, वाह। अभी ये लकी वाला होगा, मेरा लकी नंबर, लकी 69। यस लकी 69 है मेरे पास। एनीवेज इसमें जो करना होता है कि आपको ऐसे बनाना होता है फ्री स्पेस के साथ, आपको या ऐसे बनाना होता है या ऐसे डायगोनल, डायगोनल ऐसे डाल करना होता है, या आपको ऐसे एक साइड वेज भी करना होता है। तो मतलब बहुत ही मतलब डिफरेंट वेज है, या ऐसे 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 या ऐसे। तो मतलब आपको फ्री स्पेस के साथ बनाना होता है। अगर नहीं तो आप अपनी डिफरेंट भी गेम बना सकते हो कि आपने ऐसे एक शेप बनाना है, ऐसे एक जी का मतलब कि ऐसे गए, ऐसे मैंने एक जी बना दिया जी। तो मतलब आप कोई भी वे में कर सकते हो। अगर करना है तो आप टी वी बना सकते हो, ऐसे टी हो गया, तो ऐसे ही होना। पर जस्ट जो भी आपने करना है, ये जो फ्री स्पेस है ना ये आनी चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो कि आपका इधर ऊपर एक लाइन आ गई, फ्री स्पेस नहीं आई, तो मतलब कि आपका काउंट नहीं होगा। तो ऐसे होगा। अभी मैं सारे इधर रख देता हूँ, अभी मेरी फेवरेट जो मतलब आप इंडिया में भी बहुत ही फेमस है और इधर भी बहुत फेमस है, लेगल्स। अभी ये इसमें
मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है. आई हैव मेड लॉट्स ऑफ स्टफ. ये एक डोर है, पर ऑफ कोर्स मैंने तो नहीं बनाया. फिर मैंने ये गाड़ी बनाई है. ये मैंने मतलब जब आप पिज़्ज़ा खाते हो, आप मतलब ऐसे दो डो को पिज़्ज़ा कटर, आप पिज़्ज़ा को कट जब करते हैं ना, ये ऐसे ही है. जब बात ही कूल है. पर ये अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे जा रहा है, इसकी वजह से है. ये मोस्टली मतलब बैठने के लिए होती है. जब आप इसके ऊपर एक सीट डालते हो और सीट ऐसे स्पिन आती है. पर मैं तो कोई भी वे में यूज़ कर लूँगा. मैं पिज़्ज़ा बोलने लगा था. मुझे लेगोस का बहुत ही शौक है. मैं जब से बच्चा था ना, जब मैं बच्चा था ना, मुझे क्रिसमस पे, दिवाली पे, मेरे बर्थडे पे बस लेगोस लेगोस और लेगोस. तो मुझे बहुत ही पसंद है लेगोस. मैंने ये भी ये भी चीज़ बनाई थी. इस बहुत ही कूल है. मतलब मैंने ज़्यादा और कुछ तो नहीं बनाया, पर जो मैंने बनाया था वो मेरे भाई ने सारा तोड़ दिया. पर वैसे बच्चे ऐसे ही करते हैं. जब मैं भी छोटा था, मैं भी जब इतना मतलब बड़ा वाला था पुलिस का लेगो, और मैंने सारा का सारा तोड़ दिया. पर ठीक है, अभी मेरे पास जो लेगोज है ना, ये नहीं है. मेरे पास दो बड़े बड़े वाले बॉक्सेस हैं जिनमें मैंने लेगोज रखे हैं, और मैं मतलब उनके साथ मतलब चीज़ें बनाता हूँ. तो मैंने बहुत ही कूल वाली चीज़ें बनाई है. एनीवेज, ये फाइनल और लास्ट वाली जो मैं आपको दिखाने जाऊँगा, वह एक बहुत ही फेमस वाली चीज़ है. और इंडियन सारे, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन को ये गेम पता होनी चाहिए. एंड इट इज कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड बहुत ही फन है. और इसमें दो तीन या चार बंदे खेल सकते हैं. हाँ, तो बहुत ही फन है. और जो अभी अमेरिकन देख रहे हैं उनको आई विल टेल यू हाउ टू प्ले. इसमें तीन गीटियाँ आती है. एक होती है रानी, इट इज़ वर्थ द क्वीन, इट इज़ वर्थ 50 पॉइंट्स. दिस द वाइट वन इज़ वर्थ 20.20 एंड द ब्लैक वन इज़ वर्थ 10.10. सो एंड देन वी हैव द स्ट्राइकर. If you've played that game in which like there are lots of balls and you have like this stick to hit, I don't know what it's called, to hit, it's kind of like you have spaces, four spaces with a rectangular shape board, and then you like hit the ball, the white ball with the sticks, and it's kind of like that, but the only thing is that you use your fingers for it. Like if I do this, you've got to like do like that. But it's actually pretty cool if just like this you can you have to hit it into one of the squares and the circles. And if it's like right here, you can do a backflip like that. So that's how to play it. And I really hope you like this video, and make sure to stay tuned. Wait. I have to clean all of this mess. You can see right here. Yeah, at the end of the video. So, yeah, just bye-bye. And I'm really sad right now. Cleaning all of this stuff. Well, make sure to stay tuned. Continue watching all of my videos. I'll see you in the next video. Bye.